हेलो फ्रेंड्स, एनआईटी जमशेदपुर की 2023 की प्लेसमेंट्स बताऊंगा, डिटेल में सभी ब्रांचेस की, एवरेज पैकेज, कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, ब्रांच वाइज बताऊंगा 2023 की रिपोर्ट और इंटर्नशिप डेटा भी बताऊंगा, कौन कौन सी कंपनीज आई, पूरी डिटेल में प्लेसमेंट्स बताऊंगा। एनआईटी जमशेदपुर की देखनी बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि एनआईटी जमशेदपुर को इस साल रैंकिंग दी ही नहीं है एनआईआरएफ ने, टॉप 100 में है भी नहीं है और ये वन ऑफ़ द बेस्ट एनआईटी है, स्पेशली प्लेसमेंट के लिए टॉप 5 में आप इसको इजीली रख सकते हो और चॉइस फिलिंग में भी आपको बहुत ज़रूरी है इसके जानना इसका प्लेसमेंट, ताकि आप चॉइस फिलिंग में इसके कौन सी ब्रांचेस को किस नंबर पर रखो, क्या आपको लेना चाहिए एडमिशन या नहीं, तो डिटेल में बताऊंगा और रिव्यू भी दूंगा। तो सबसे पहले कुछ हाईलाइट्स दिखा देता हूं, उसके बाद इंटर्नशिप बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में सभी ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स बताऊंगा। तो ऑफ़र्स देख लो, इस साल 2023 में 750 प्लस ऑफ़र्स आए हैं, 250 प्लस कंपनीज़ आई हैं यहाँ पे और जो नए रिक्रूटर्स हैं वो 90 प्लस है। एवरेज पैकेज यहाँ पर सभी ब्रांचेस का मिलाकर 15.98 लाख पर एनम का है, 16 का एवरेज पैकेज है, ये समझ जाओ आप, न्यू एनआईटीज का कंप्यूटर साइंस कभी इतना नहीं होता, तो इसको टॉप 100 से भी निकाल दिया है। बहुत से न्यू एनआईटीज जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको टॉप 100 में रखा है एनआईआरएफ ने, एनआईआरएफ तो वैसे भी आप फॉलो नहीं करते हो एडमिशन के लिए। हाईएस्ट पैकेज इसका 83 लाख पर एनम का है और बैच साइज इसका 594 का है। देखो, 594 का बैच साइज है और ऑफर 750 प्लस आए हैं, तो खुद देखना। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, सिविल से लेके मैकेनिकल, यार कमाल के प्लेसमेंट्स हैं और खुद आप देख लो इसके अंदर मैं क्या ही तारीफ करूं। पिछले दोनों साल की मैंने इसकी डिटेल में प्लेसमेंट की है अपने यूट्यूब पे, ऑफिशियल वेबसाइट की है, सारा डेटा है जो भी है, और बहुत कमाल के प्लेसमेंट है, टॉप एनआईटी से कम्पीट करता है ये। तो पहले मैं आपको इंटर्नशिप दिखा देता हूं। तो यहां पर आप सब देख सकते हो, 6 मंथ इंटर्न्स हैं वो 458, समर इंटर्न्स 177। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलता हूँ मैं, ब्रांच वाइज दिखा देता हूँ आपको क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं एवरी ब्रांच में वो दिखा देता हूँ, क्योंकि पैकेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। तो यहाँ पर आप खुद देखो यार, कमाल के हैं, यहाँ पर आप गैस भी नहीं कर सकते, मैं नीचे अगर ब्रांच ना दिखाऊं तो यहाँ पर आप गैस नहीं कर सकते सिविल का कौन सा है और कंप्यूटर साइंस का कौन सा है। आपको लग रहा होगा 100 वाला है, बट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, सभी ब्रांचेस में देखो इसका रिकॉर्ड देखो, 97 से कम ही नहीं गया यार, इवन सिविल में अच्छे से अच्छे कॉलेज में बहुत कम होता है। तो सबसे पहला सिविल ही है 97.29%, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 97.2%, जो कि ख़राब नहीं है बट सिविल का उससे बेटर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 100%, इलेक्ट्रिकल 100%, मैकेनिकल 100%, एमएमई मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 100%, पी वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 97.61%। तो यार देखो, सबसे कम परसेंट इसका कंप्यूटर साइंस का गया हुआ है और ओवरऑल इसका जो प्लेसमेंट रेट है वो 98.87% है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसका एवरेज पैकेज दिखा देता हूँ ब्रांच वाइज। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का सबसे हाईएस्ट एवरेज पैकेज है 26.63 लाख पर एनम का, जो कि एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल को कंपीट करता है इजीली, इतना उनका जाता है 26-27, और लास्ट ईयर भी इसका 27 के अराउंड था एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का। तो आप खुद देखो यार, एनआईआरएफ क्या ही सोच कर रैंकिंग्स बनाती हो, तो अलग फैक्टर देखती है, प्लेसमेंट नहीं देखती एनआईआरएफ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन ये न्यू एनआईटी भी नहीं है, एक ओल्ड एनआईटी है, मतलब बहुत अच्छी एनआईटी है। ईसीई का एवरेज पैकेज 22.03 लाख पर एनम का है, इलेक्ट्रिकल का 18 का एवरेज है यार, 17.98 लाख, जो कि अप्रॉक्स 18 लाख के जितना है। सिविल इंजीनियरिंग 9.57 है, ऑब्वियसली पैकेज कम है, बट बड़ी बात यह है कि 97% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, जो कि सिविल में देखने के लिए नहीं मिलता, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी, इवन IITs में भी नहीं देखने को मिलता। एमई मैकेनिकल की बात करें, 10.54 लाख पर एनम का है, पैकेज इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, इतना होता ये भी ये मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा मैटर करता है कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं बैच साइज में। और नेक्स्ट है यहाँ पर मेटलर्जिकल्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 9.42 लाख पर एनम का है, और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11.37 लाख और 100% आई थिंक 97% था इसका। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो कमाल का यहाँ पर प्लेसमेंट है, और लास्ट ईयर की 2022 की जाकर देखना उसका, तो और उसका बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, उसमें हाईएस्ट पैकेज भी बताया, सब बताया, इवन ये ऑफिशियल डेटा है, जो भी मैं लेके आता हूँ गलत लेके नहीं आता। तो ऑफिशियली इस साल इन्होंने हाईएस्ट पैकेज नहीं बताया ब्रांच वाइज, बट एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट रेट बताया, जो भी है सब ऑफिशियली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, कितने लैक्स में कितने परसेंट स्टूडेंट्स लाइक करते हैं।
यहाँ पर ये देख सकते हो जो सबसे डार्क में है वो 8 लाख से कम का है, उसके बाद ये जो इसके बाद ऑरेंज में है वो 8 to 10 लाख का है, और जो येलो में है ना वो यहाँ पर देख सक ये ऐसे चल रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है। नीचे सबसे डार्क में जो है वो 8 लाख से कम का है, उसके बाद ये नीचे लेफ्ट साइड में 8 to 10 का है, फिर ये ऑरेंज में जो सबसे ज़्यादा है 10 to 20 का है, फिर येलो में 20 से 30, फिर बिल्कुल लाइट येलो 30 से 50 लाख, और सबसे लास्ट में जो राइट साइड में है सबसे जो 3 PM का टाइमिंग दिखा रहा है छोटा सा, वो 50 लाख से ऊपर का। तो देखो एक तो यानी बहुत सारे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो डिटेल में प्लेसमेंट्स। अब कंपनीज़ एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये सारी कंपनीज़ हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सब यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो, वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके भी देख सकते हो, और सिर्फ मैं NIT जमशेदपुर की नहीं, लगभग सभी NITs, IITs, IIITs, GFTI की मैंने प्लेसमेंट कर दी है अपने चैनल पे 2023 की चल रही है, और कट ऑफ्स, प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग्स, इन सब पे वीडियोस डेली लेके आता हूँ, और नोटिस पे भी, जैसे जो सा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आता है तो उस पे तुरंत मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ, और डेली वीडियो लेके आता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, वरना कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आप मिस कर दोगे। और कुछ भी पूछना या बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या इंस्टा पर भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पर्सनल आईडी है। और अगेन, वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।